अभी जो मेरा पीरियड था कॉमनवेल्थ गेम्स वाला, उसमें मैंने कोशिश किया था कि मेरे को चांस मिले कॉमनवेल्थ टीम में जाने के लिए, बट एज इंजरी भी थी मेरे को और प्लस पॉइंट सिस्टम वाला अभी नया सिस्टम चल रहा है सिलेक्शन के लिए, तो उसमें मैं इतना एलिजिबल नहीं था. तो आई एक्सेप्ट दैट. तो अभी जो पीरियड था बीच में, मैंने उसमें फुल रिहैब किया अपना बैक इंजरी का. सो आई एम ऑलमोस्ट परफेक्टली फाइन. सो नाउ अभी एशियन गेम्स के लिए हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है. एक महीना हो गया आई वॉज ऑन ट्रेनिंग. ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है, स्पारिंग भी अच्छी हुई है. तो अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ अभी आने वाले एशियन गेम्स के लिए. मैं वो जो गैप था, उस गैप को एज अ गैप नहीं लेता हूँ. वो इवन मेरे लिए बेटर ही था, क्योंकि मैं इंजर्ड था. तो अभी तक मैं इंजरी में खेला था, इंजरी में मैं इतना अच्छा खेल सकता हूँ. तो अभी इंजरी फ्री होके अभी मैं जब वापस कम बैक कर रहा हूँ, तो मैं ऑफकोर्स मुझसे बेटर ही खेलूँगा. तो आई टेक इन दैट वे. तो अभी वो जो गैप था मेरे लिए, वो बेनिफिशियल ही होगा. उसमें मैं परफेक्टली फाइन होकर वापस कम बैक कर रहा हूँ. तो वो जो गैप था उसको मैं नेगेटिवली नहीं लूँगा. तो आई टेक इट एज अ पॉजिटिव वे और अभी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा एशियन गेम्स में.